हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस अपनी जीत का दावा कर रही है और अधिकांश एग्जिट पोल भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। यदि 8 अक्टूबर को परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीएम का चेहरा खोजने की होगी, क्योंकि यहां कई दावेदार हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस रेस में शामिल है। हालांकि इनमें से 3 ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। देखिए ये रिपोर्ट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा। राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई सीट से चुनाव मैदान में हैं। यहां से वो 5 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने 2005 से 2014 के बीच हरियाणा के सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली है। वो हरियाणा में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। सीएम पद की रेस में वो सबसे आगे हैं। वो सीएम बनने के इच्छुक भी हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि आखिरी निर्णय हाईकमान करेगा और जो फैसला किया जाएगा उसे वो मानेंगे। कुमारी शैलजा। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा कई मौके पर अपने सीएम बनने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। मतदान संपन्न होने के बाद भी उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा था कि राज्य की जनता और विशेषकर महिलाएं चाहती हैं कि हरियाणा में महिला सीएम बने। वह विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहती थी। टिकट बंटवारे में उनके करीबियों को उतनी तवज्जो नहीं दिए जाने से भी वे नाराज थी। वो भले ही विधानसभा चुनाव न लड़ पाई हो, लेकिन पार्टी के हरियाणा प्रभारी ने ये साफ शब्दों में कहा था कि किसी ने चुनाव ना भी लड़ा हो तो भी वो सीएम बन सकता है। उसके पास हाईकमान का आशीर्वाद होना चाहिए। रणदीप सिंह सुरजेवाला। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। केथल से ताल्लुक रखने वाले सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने भी ये कहा कि वो चाहते हैं कि उनके पिता हरियाणा के सीएम बने। हालांकि शैलजा की तरह रणदीप सुरजेवाला को भी विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन पार्टी नेतृत्व के फैसले को वो स्वीकार करेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार रोहतक से निर्वाचित होकर लोकसभा पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र ने अपने पिता के लिए जोर शोर से प्रचार किया है। हरियाणा चुनाव में उनकी सक्रियता खूब देखी गई है। ऐसे में जूनियर हुड्डा भी सीएम पद की रेस में है। हालांकि जब उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा से बेटे के सीएम बनने की संभावना पर सवाल किया था तो उन्होंने कहा था, ना मैं रिटायर हूं और ना टायर्ड हूं। ऐसे में जाहिर है कि अगर हुड्डा परिवार में किसी को सीएम बनाया जाएगा तो वो सीनियर हुड्डा ही होंगे।